काफी दबाव रहता है कि ना भीड़ एकता करनी है, भीड़ तो दिखानी है। भीड़ एकता है, और मान लो कांग्रेस भी यहाँ पे आ सकते हैं। भीड़ नहीं होती है, भीड़ से नहीं, यहाँ पे कांग्रेस ही और जनता पार्टी दोनों होगी। आपके आइडिया पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हम ऐसे तो कुछ लोगों से ऐसे भी मिले हैं कि देखने मोदी को आए हैं, वोट राहुल कस्वा को देंगे। ऐसी भीड़ भी आई है, तो वही तो बोल रहे हैं पब्लिक में। हाँ तो भीड़, इसका मतलब ये तो नहीं है, भीड़ से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि देवेंद्र झाझड़िया जीतेगा। ऐसे लोग भी तो आए हैं कि ना राहुल कस्वा को वोट देंगे, ये पब्लिक से प्रश्न करते हैं, तो हम इनसे भी तो प्रश्न कर सकते हैं कि आपके आइडिया से कौन निकलेगा, आपने देखा है? हम बता नहीं सकते, ये मीडिया का काम है स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता करना, निष्पक्ष पत्रकारिता करना यही कार्य है। वो तो होता रहेगा, होता रहेगा। कम से कम यहाँ पे 40-60% होगी। ये लगे तब कौन जीता एक लाख से ऊपर तो देख लीजिए तो 35 साल। कौन सी विधानसभा से आप? शुरू से ही खेल है भाई साहब। जबकि नरेंद्र मोदी की आज जबकि रैली हुई है, यूं देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में कुछ मारवाड़ी पब्लिक आई है ना, ऐसे तो कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं कि हम आए मोदी की रैली में लेकिन वोट राहुल कस्वा को देंगे। नहीं नहीं, सब बकवास बातें हैं, कोई बकवास नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया कोई जातिवाद नहीं, देवेंद्र झाझड़िया है मोदी के नाम से, मोदी के नाम पे वोट, मोदी के नाम से वोट मिलेगा। राहुल कस्वा ने बीजेपी टिकट दिया, 14 पार्टी की है, गद्दारी की वजह से वो वार्ड पंचायत चुनाव भी नहीं जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 35 सालों तक उसके परिवार को टिकट दी, आज एक बार जब गरीब परिवार को, कमजोर व्यक्ति को जब टिकट दी गई तो वो सामने पानी में जाके बैठ गया। उससे बड़ा गद्दार भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं हो सकता। जितने भी मतदाता इस विधानसभा में या लोकसभा में देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को मत देना चाहिए। और रही बात नरेंद्र मोदी की, देश का एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीब से गरीब व्यक्ति जो लास्ट पंक्ति में जो बैठा है उसको आगे लाने का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जो नरेंद्र जी झाझड़िया है वो एक ऐसे व्यक्ति है जो लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति है, और गरीब और कमजोर की बात वो ले जाकर वहाँ उठाएंगे। चूरू विधान लोकसभा क्षेत्र का एक अनेक विकास उनके नेतृत्व में होगा। और नरेंद्र देवेंद्र जी झाझड़िया का नरेंद्र जी मोदी के साथ घनिष्ठ संबंध है। आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी योजना है, इसे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनके हाथों से यहाँ आने वाली है। तो जो भी मतदाता है वो अधिक से अधिक संख्या में देवेंद्र झाझड़िया को वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाए। कौन सी विधानसभा से? मैं तारानगर विधानसभा से हूँ। हम तारानगर विधानसभा से कम 20-25 हजार वोटों से लीड दिला करके नरेंद्र बुढ़ानिया जीते हुए, वो कह रहे हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं नरेंद्र जी बुढ़ानिया ने अपने कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार किया था, और छोटे से लेकर के हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। 200-200 रुपए भी उन्होंने छोटे कार्यकर्ताओं के लिए, वो अपने जमकर भ्रष्टाचार उनके नेतृत्व में हुआ था। मन कुछ समय बताओ असली बात क्या कर रहे हैं, मन कुछ असली बात है बराबर बनाने की कर रहे हैं। जनता को मतलब भविष्य जनता का बहुत धोखा, और जब जातो ने नरेंद्र कोई कोई का फील ही कोई नहीं जीत के तारूपी के सो गयो जनता को राहुल जी है तो आगे आज तक के अंदर किसी को जीतने के बाद में किसी को बतलाया नहीं उसने। बताओ कोई नहीं, 5 साल के बाद में पार्टी राष्ट्रीय एकता की पार्टी है, देश का पार्टी का गद्दार आदमी हो, राष्ट्रीय पार्टी देश का गौरव है भैया, पूरे विश्व के अंदर नाम कमाया उसने। आपके बस्ती का कांग्रेस।